बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आप देख रहे हैं कि घर में लिविंग रूम का अभी सारा पेंट वगैरह उतर चुका हुआ है और वॉलपेपरिंग वगैरह अभी हो रही है, अभी करनी है वॉलपेपर, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, बस अभी सिर्फ एक एक कोट हुआ, अंडर कोट हुआ और कोट हुआ है, जो आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, वही हुआ है, वन कोट ऑफ पेंट हुआ है। सो ओके, क्यों वीडियो बना रही हूँ कि बहुत अपसेट हो रही हूँ कि क्यों मैं यहाँ पे अगर वीडियो बना रही हूँ या फिर कुछ भी बना रही हूँ ना, तो मैंने क्यों स्टार्ट किया था वीडियो बनाने। आई जस्ट मेड हार्डली अबाउट 7 वीडियो अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं क्यों बना रही हूँ वीडियो, मैं तो कोरोना में बहुत बोर हो रही थी और मैं बना रही थी। अरीब लेट मी टॉक। तो बोर हो रही थी जिससे मैंने बनाना शुरू किया था, और उसी पॉइंट पे एक पॉइंट ऐसा आया था जब एक कैफे में किसी ने जो ऑनर्स ने उसकी इंग्लिश पे अपने मैनेजर को लेके बोलना शुरू किया, और मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाई थी। सही, आज मेरे साथ क्या हुआ कि मैं बहुत परेशान हो गई थी किसी के कमेंट्स पे। इंस्टाग्राम में ज्यादा यूज नहीं करती, यूज करती हूँ जस्ट फॉर चेकिंग एवरीडे थिंग जो हर औरत करती होगी, लेकिन मैंने कभी उस पर बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं किए, ना ही कभी रील्स बनाई। मुझे नहीं पता वो कैसे ऑपरेट करते हैं, उसे रील्स कैसे बनाते हैं कैसे नहीं। कुछ चीजें होती हैं जिन जो लोग फॉलो कर रहे होते हैं, चीजें देख रहे होते हैं, एंड वन ऑफ द पर्सन वॉज ऑन इंस्टाग्राम जो कि अपने आप को बहुत सूफियाना सी अपने आप को बना के पोर्ट्रे कर रही हैं। उन्होंने कुछ वो डे क्वेश्चन ऑफ द टॉक ऑफ द डे करती हैं, सो उन पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा और मैंने उस पर आंसर दिया, और जो आंसर आया वो इतना ज्यादा रेसिज्म उसमें फील हो रहा था मुझे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस पर कैसे रिएक्ट करूं। अभी क्या था कि मैं शायद चुप हो जाती, लेकिन बाद में सोचा, इतना परेशान होने के बाद ना उसकी कमेंट ने ना, वो सेलिब्रिटी है, उनके पास थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स हैं, मेरे पास नहीं है, मैं कुछ भी नहीं, आई एम नथिंग एट ऑल। मैं सिर्फ अपने बॉर्डम को दूर करने के लिए बच्चों में वीडियो बना दी तो बना दी, एंड नथिंग एल्स, आई हैव नो अदर रीजन फॉर द वीडियो कि मैं क्या करूं। लेकिन आज मैं अगर चुप हो जाऊंगी, मैं किसी के लिए बोल सकती हूं, लेकिन क्या खुद के लिए मैं चुप रहूंगी, ये मुझे खुद के लिए फेयर नहीं लग रहा था। उन्होंने अभी कोई हम अवॉर्ड्स पे काफी ज्यादा, मैंने तो खैर देखे भी नहीं, मैंने तो सिर्फ उसकी क्लिपिंग्स देखी थी जो कि मुझे बहुत ज्यादा अजीब से लग रही थी कि पाकिस्तान में रह के वो लोग इतने हाफ नेकेड लोगों का रैम वॉक्स हो रही हैं, मॉडल्स वगैरह इस तरह कपड़े पहन रही हैं, वो जो जिन्होंने अपने ऊपर अपनी स्टोरी लाइन लगाई हुई थी वो भी उसको सपोर्ट नहीं करी थी, लेकिन वो कह रही थी कि पाकिस्तान में तो ये चक्कर है वो चक्कर है कि वो मौलवी स्काफों वाली को भी इतना सब कुछ कहते हैं, ये कहते हैं वो कहते हैं, दैट वॉज अनदर लाइक बहुत डीप टॉपिक चल रहा था। अगर आप स्काफ पहन के इतना ग्लैमरस बनते हो, इतना लाउड मेकअप करते हो, नेल्स वगैरह करते हो, चीजें आप लोगों को खुद अट्रैक्शन दे रहे हो, तो यू आर गिविंग पीपल रीजन टू टॉक अबाउट यू। ये सिर्फ यही रीजन है, मैं कुछ नहीं हूं ना, आई एम नॉट सेलिब्रिटी, नथिंग कुछ। मेरे 10 वीडियोस एक स्काफ में आएंगे, मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ, कोई कुछ नहीं, कोई फिल्टर, कोई कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, मैं जैसी हूं वैसी ही आपके सामने ऑल द टाइम आती हूं। 90% ऑफ द वीडियोज में मेरे कोई मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं, सही, जैसी हूं वैसी हूं, मेरी मैं बोर हूं तो मैं हूं। यू नो यहाँ पे आप जब प्रदेश में रह रहे होते हो ना, तो आपके लिए चीजों के लिए सरवाइव करना ना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे मेरे खानदान यहाँ पे आके बसे नहीं हुए हैं जो कि मुझे कंपनी देंगे, मैं बोलूंगी मैं उनके पास चली जाऊंगी या फिर कुछ भी होगा, सही। हम लोगों के पास रीजन नहीं है कि क्या करें हम लोग यहाँ पे, सही। अगर इंस्टाग्राम के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू अगर मैं अपनी बॉर्डम दूर करने के लिए टॉक ऑफ द डे पे बाय आस्किंग समवन ओपिनियन और मैंने दिया, और मुझ पे ये क्वेश्चन मार्क लगाया गया कि तुम पाकिस्तान आओगे ना, तुम पाकिस्तान आओ तो तुम्हें पता चले ना, बाहर बैठ के तुम इस तरह की बातें बोलते हो, चीजें करते हो, तो बाहर बैठ के बोलना बहुत आसान है और पाकिस्तान में आके डील करना बहुत मुश्किल है। क्या मैं कोकाफ से आई हूँ, मैं पाकिस्तान से ही आई हूँ,
सही, या फिर पाकिस्तान से वापस आने के बाद मेरे पास वो ऑप्शन खत्म हो गया है कि मैं अपनी ओपिनियन नहीं रख सकती, या फिर मुझे पाकिस्तान ने डिसऑन कर दिया हुआ है कि मैं उनके उनकी किसी भी प्रॉब्लम में या फिर उनके करंट अफेयर्स में मैं बोल नहीं सकती हूँ। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन अब जो यहाँ पे आई हुई है पाकिस्तान से, वो किसी ना किसी रीजन से आई हुई है। कोई शादी करके आई होगी, कोई फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से आई होंगे, कोई अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की वजह से यहाँ पे आके सेटल हुए होंगे, सही। और मैं भी उन्हीं में से एक रीजंस की वजह से यहाँ पे हूँ। अगर मुझे पाकिस्तान में ऑप्शन मिलता रहने का, चीजें करने का, तो मैं पाकिस्तान में ही रह के चीजों को करती। मुझे जो कुछ भी अभी दिया है वो पाकिस्तान ने ही दिया है, मुझे किसी और ने नहीं दिया है। मैं पाकिस्तान से पढ़ के आई, मैं पाकिस्तान से चीजों को करके आई, और यहाँ पे आके मैंने चीजों को किया, उसी पढ़ाई को यूटिलाइज किया यहाँ पे आके, अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की वजह से यहाँ पे आके सेटल हुए होंगे, सही। और मैं भी उन्हीं में से एक रीजंस की वजह से यहाँ पे हूँ। अगर मुझे पाकिस्तान में ऑप्शन मिलता रहने का, चीजें करने का, तो मैं पाकिस्तान में ही रह के चीजों को करती। मुझे जो कुछ भी अभी दिया है वो पाकिस्तान ने ही दिया है, मुझे किसी और ने नहीं दिया है। मैं पाकिस्तान से पढ़ के आई, मैं पाकिस्तान से चीजों को करके आई, और यहाँ पे आके मैंने चीजों को किया, उसी पढ़ाई को यूटिलाइज किया यहाँ पे आके, मैंने पहले जॉब करी यहाँ पे आके, और फिर जाके अपने आप को डिफरेंट कोर्सेज में डाला, और फिर अपनी डिग्री को अपग्रेड किया। पहले मैंने जितना भी कुछ किया यहाँ पे पाकिस्तान की वजह से किया, और मैं सपोर्ट करती हूँ अपने पाकिस्तान की स्टडीज को कि जो हमने हार्डवर्क करा है अल्हम्दुलिल्लाह वो पेड ऑफ हो गया, सही। अभी मुझे इस तरह के कमेंट्स मिलेंगे चीजों को, जब कोई बात होती है, ये सिर्फ मेरा क्वेश्चन नहीं होगा, ये बहुत सारे उन लोगों का होगा जो पाकिस्तान से बाहर आके सेटल हुआ है, उनको बात बात पे ये बात सुननी पड़ती है कि पाकिस्तान आके देखो फिर तुम्हें पता चलेगा कि कितने का सो होता है। क्या मतलब है कितने का सो होता है, कितना क्या? पाकिस्तान में रह के आप लोग उधर बैठ के चीजों को इतना गंद मचा रहे हो, इतना सब कुछ कर रहे हो, इतनी न्यूडिटी फैला रही हो, इवन स्कार्फ लेकर इतने ग्लैमरस होके आते हो, और फिर कहते हो कि हम पे कोई बात ना करे, हमारे खिलाफ कोई बात ना करे, चीजों को कुछ ना करे। क्यों? वाई वाई? अगर मेरे पास जबान है चीजों को करने के लिए, मेरा ओपिनियन है, अगर आप आस्क करते हो, इफ यू वेलकम समबडी टू आस्क क्वेश्चंस, सो डील विद इट, डील विद इट। आपके अपने हस्बैंड जो जिनकी मैं बात कर रही हूं, उनका अपना हस्बैंड पाकिस्तान से बाहर होता है जस्ट टू सपोर्ट हर मेकअप, राइट। वो पाकिस्तान का ब्रांड इतना मेकअप का यूज नहीं करती जितना कि वो फॉरेन के इंटरनेशनल ब्रांड्स यूज करते हैं चीजों के लिए। आप हर चीज के लिए इंटरनेशनल इंटरनेशनल फॉरेन ब्रांड होना, इम्पोर्टेड होना चाहिए, इम्पोर्टेड होना चाहिए, लेकिन जब बात आती है पाकिस्तान की, पाकिस्तानियत की, तब आप ये आके बोल देते हो कि जी तुसी की जान दो, तानू की पता, सही। हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता, हमें आपसे ज्यादा पता है, क्योंकि हम लोग दो क्राइसिस देख रहे होते हैं, एक पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की चीजों को सुन रहे होते हैं आप जैसे लोगों पे जो हम पे क्वेश्चंस कर, हम लोग और यहाँ पे रह के हम लोगों को गोरे वगैरह कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता चीजों के लिए, फिर भी हमें पाकी पाकी कहता रहता है, फिर हम किधर चले जाए? अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है ना कि आप अपने अपने मुसलमानों को बोला है ना कि अपने आप को फैला के रखो, दुनिया के कोने कोने में जाके चीजों करो, अगर अल्लाह ने हमारे नसीब में यहाँ पे पहुंचना लिख दिया है, हमारा रिस्क यहाँ पे लिखा है ना, तो प्लीज डू नॉट डीमोटिवेट अस, डू नॉट लेट अस डाउन बाय सेइंग स्टफ लाइक दैट। मेरे लिए, मैं सीरियसली, मैं बहुत यहाँ पे ना, एक तो हर चीज जब इंसान की अपनी जबान नहीं होती, चीजें नहीं होती, आले दुआले कोई अपने नहीं होते हैं ना, इंसान बहुत डिप्रेस होता है चीजों को करने के लिए। सोशल मीडिया वगैरह के अगर वो देख रहा होता है ना, जस्ट टू स्क्रोल एंड चेयर द सेल्फ अप बाय, लेकिन इस तरह की चीजें इतना परेशान कर देती हैं कि मेरा दिल बहुत दुख गया, सीरियसली।
मेरा दिल बहुत ज्यादा दुख गया। मैं शायद उससे बहुत ज्यादा पाकिस्तानी हूँ जितना आप पाकिस्तानी हो, क्योंकि मुझे पता चल गया कि पाकिस्तान से बाहर निकल के चीजों को डील करना कितना मुश्किल होता है। कहते हैं ना, जब आप शू किसी के शू में आते हो तो पता चलता है कि उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैं आज यहाँ पे हूँ और चीजों को डील कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैं कितनी मुश्किल से हम लोग चीजों को डील करते हैं। हमें अपनी जगह बनाने के लिए यहाँ पे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं चीजों को प्रूव करने के लिए। हमें सिर्फ अपनी एक डिग्री है ना, पाकिस्तान से डिग्री आज आई मैं लेके आई थी ना, तो मुझे यहाँ पे उस डिग्री को प्रूफ करने के लिए ना मुझे कितने लोगों के कितनी वेबसाइट्स पे जाके अपने अपने मार्क्स को अपनी डिग्री को रजिस्टर करना पड़ा कि वो मेरे डिग्री पे रेट करें और मुझे बताएं कि ये मेरा क्या लेवल है यहाँ का, किसके इक्विवेलेंट है ये। सही, हमने कितनी चीजों के लिए स्ट्रगल करके चीजों यहाँ तक पहुंचते हैं और फिर आखिर में आके ये बात सोचनी पड़ती है, सुननी पड़ती है कि तानू की पता, तानू की पता। मेरे ख्याल में हम ठोकर लग के ठाकुर बनते हैं और आप लोग से बातें करके अपने सोशल मीडिया पे बैठ के ना ग्लैमरस बन के आगे तक जाते हैं। खैर, मुझे ऐसा लगता है मुझे अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करना चाहिए। मुझे बहुत ज्यादा, मैं बहुत परेशान हो गई। आप लोगों बहुत आज अब मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। प्लीज अगर कोई चीज बुरी लगी हो या फिर कुछ भी ऐसा बोला हो जो शायद आप लोगों को परेशान कर गया हो तो प्लीज मेरी तरफ से बहुत माजरत, और आप प्लीज मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माशाल्लाह। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।